नाज़रीन बात करेंगे आज भारत की। टीम इंडिया इज विनिंग। जो है वो आज हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को घुसा दिया पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को इंडिया ने। सुनते जाइए क्यों मैं बांग्लादेश हूँ। करो नागिन डांस करो करो यार इंडिया ना वो ट्रक बन चुका है जिसकी ब्रेकें फेल है और T20 वर्ल्ड कप में फाड़ता हुआ फाइनल तक जा रहा है। ठीक है ना। वाह भाई वाह। आज की जीत के साथ इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर। भारत को अब बीट करना जो है ये बहुत बड़ा एक मैच खेलना पड़ेगा टीम को हराने के लिए भारत को। और नहीं तो क्या। देखो इंडिया ने आज बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। भारतीय टीम ने आज बांग्लादेशों का जो नागिन डांस था ना आज पूरा बल सहित निकाल दिया। सुनते जाइए। मतलब ये जो बैटिंग की है बांग्लादेश ने इसको T20 की बैटिंग कहते हैं। टिपिकली टट्टी की है भाई। आप लोग डरे उस वक्त से जब इंडिया ये हाल ऑस्ट्रेलिया का भी करेगा सुपर एट में। हाँ भाई हाँ। बांग्लादेशों की कर दी टाइम टाइम फेस। वो नहीं होता मच्छर को कंधे पे बैठे मच्छर को ऐसे मार के भगा दे। सुनते जाइए। यहाँ में पहले नजर आ रहा था कि भाई बांग्लादेशियों को कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया से जीत पाएंगे। ये तो घंटे से भी पूरा खेले हैं। जो इंडिया की टीम है सब छोड़ने वाली नहीं है। और रो रहे हैं बांग्लादेश वाले उनके साथ इज्तमाई ज्यादती हुई है। इज्तमाई ज्यादती नहीं सकते कमरे में बंद करके बत्ती बंद करके भाई उनकी ली है इंडिया ने। उन्होंने बांग्लादेश का जो हाल किया है मतलब मुझे लग रहा है कोई क्लब लेवल की टीम खेल रही है। कांग्रेचुलेशन भाई हिंदुस्तान को। थैंक्स। देखें बांग्लादेश इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश वालों को बात समझ नहीं आ रही नजर ही नहीं आ रही उनको। अरे बस कर रुलाएगा क्या। बैटिंग जबरदस्त बॉलिंग जबरदस्त फील्डिंग बहुत अच्छी और क्वालिटी भी और अकल से खेलना भी और क्लास भी और ये काम बॉलिंग में तो फिर बांग्लादेश के लिए मुश्किल ही चैलेंज होना था। और नहीं तो क्या। मैंने बात नोट कर लें इंडिया जो है अनबीटेबल। क्या अनबीटेबल। क्या बोलो अनबीटेबल। कबार अनबीटन जो है ना ये वर्ल्ड कप जीत रही है। बिल्कुल है बिल्कुल है कोई दो राय नहीं। इंडिया ने आके पूरी दुनिया की टीमों को ये बता दिया है कि वी आर रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। यस 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 बिल्कुल मैम। आज इंडिया ने जो है अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि हम इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है टीमों का क्या हाल करने जा रहे हैं। शाबाश। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच रहा क्या कहेंगे आज की शानदार कामयाबी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और आज भारत की बैटिंग की बात की जाए तो भारत की बैटिंग में आज सारे बैट्समैनों ने भारतीय लोगों को रोमांचित करके रखा। खास तौर से हार्दिक पांड्या ने। और शुभम दुबे की बात करूं तो शुभम दुबे में तो मेरे को है ना युवराज सिंह नजर आता है। पता नहीं क्यों मुझे नजर आता है आप लोगों को भी आता है कमेंट सेक्शन में बता देना। और रही बात हमारे 360 सूर्या की तो आज सूर्या भाई का दिन नहीं था। खैर कोई बात नहीं आज मुझे किसी से भी कोई नाराजगी नहीं। हमारे रोहित भाई भी अच्छा खेले ओपनिंग अच्छी हुई। विराट कोहली भी बहुत शानदार खेले वो आगे तक नहीं ले जा पाए। खैर कोई बात नहीं चलता इतना तो यार। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैच देखने के बाद में बहुत 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 मजा आया और यही मजा हमको वर्ल्ड कप तक लेना है। जब तक हमारे हाथ में ट्रॉफी नहीं आ जाती तब तक हिंदुस्तान की टीम को ऐसे ही मशक्कत करनी पड़ेगी चाल लगानी पड़ेगी। ओके। ये बांग्लादेशी भी बहुत बड़ बोले हैं कि अभी इनकी बंगाली बोलते हैं तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है अपने को। लेकिन ये बांग्लादेशियों ने भी अगर आपको पता हो तो एक बार विराट कोहली की मुंडी काट के फोटो लहरा दी थी नागिन डांस किया था भारत को हराने के बाद में। है तो ये पाकिस्तान की नाजायजी औलाद ना। पाकिस्तान हमारी औलाद है बांग्लादेश हमारा नालायक पोता है। तो बांग्लादेशी हो तुम पाकिस्तान की तरह गाली मत देके जाना। मुझे पता बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो हिंदुस्तान की जीत पे पाकिस्तानियों ने भी अपनी राय रखी है। इंडिया की टीम की बात की जाए इस वर्ल्ड कप में जैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट अपनी बॉलिंग में लाया फील्डिंग में लाया। अच्छा मैं तो कहता हूँ कि इंडिया वालों खुशकिस्मत हो यार तुम लोग ये विनिंग कभी लाइफ टाइम भूल ही नहीं सकोगे। बांग्लादेश का पकड़ के बंगाली डांस निकाल दिया उन्होंने बेटा नागिन डांस के अंदर बजा दिया पकड़ के ना घंटा बजा दिया बेटा बांग्लादेशियों का। सर जी बांग्लादेश कहाँ पे नजर आता है मतलब बांग्लादेश को तो उन्होंने अपना सारी नहीं उठाने का मौका दिया यार। ये हालात बांग्लादेश के हो गए। बांग्लादेश को उनका माई बाप दादा जो है ना वो जो कब्रों में पड़े हैं वो याद आ गए बांग्लादेश को। इंडिया ने जो है ना अपना राइवल आते साथ ही अनाउंस कर दिया कि भाई इंडिया क्या है। वाह
बहुत बढ़िया, टीमों को आपने वार्न कर दिया, आपने सबको ये बता दिया कि भाई इस साल हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं और जीत के जाएंगे। ओके। हमने ये नहीं देखना कि हम कितने जीते हैं कितने हारे हैं, हमने फाइनल जीत के जाना है और हम इस बार फाइनल जीतने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रहे हैं। यार आप मुझे बताओ, आपने भी मैच देखा होगा, अब मेरे बोबसी भी देख रहा होगा मैच, मेरे बोबसी ने भी मैच देखा होगा, लिटरली कसम उठा के। तो मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। मेरा बोबजी भी मैच देख रहा होगा और मेरा बोबजी ना उधर सोफे पे इस तरह करके बैठा होगा, इस तरह करके। एशिया कप से लेके अभी तक हर टीम को इंडिया ने हमोशी करवाया और जिस तरह परफॉर्म करता है इंडिया, हर टीम डरती है इंडिया के साथ खेलने से। आज जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, आज तो बड़े मजाक के साथ खेल रहे थे, कोई सीरियस लग नहीं रहा था कि यार इंडिया वाले खेल रहे हैं। जो इंडिया की टीम है इस बार छोड़ने वाली नहीं है, छोड़े वो वर्ल्ड कप गुजर गया, एशिया कप गुजर गया, क्या स्ट्रीक बनी क्या नहीं, इस दफा पता चलना कि हुआ क्या असल में। बांग्लादेश ने अपने 6 से 8 बॉलर्स, उन्होंने भी बॉलर्स को अपनी फुल आज मंजन कराया, फिर ये कि इंडिया ने भी खासतौर पर कराया, मगर इंडिया का एक फर्क जो मैंने अभी देखा था आसमानी किताब पे क्रिकेट की जो है उसके ऊपर मैंने देखा कि पाकिस्तान का मैच देखे ना अगर हम, तो हमें ये लगता है कि बस हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया का मैच हम टाइम निकाल के देखते हैं, बस सिंपल से बात। ये क्या बात करते हैं, क्रेज है इंडियन क्रिकेट को देखने का। इंडियन क्रिकेट को छोड़े, हमें विराट कोहली को ना, विराट कोहली की एक ऐसी मोमेंट बन चुकी है जैसे पहले वो हमारे बुजुर्गों में ना शायद अफरीदी की होती थी। हालांकि उसने कभी किसी कभी किसी मैच में चलना था, कभी में किसी में नहीं चलना था, अब इस बंदे का ये लेवल आ चुका है कि ये कोई मैच छोड़ते ही नहीं है। अंडर प्रेशर इतना अच्छा खेलता है, जितना अंडर प्रेशर होता है ये उतना और अच्छा खेलता है, इस बंदे मतलब प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, पता ही नहीं चलता। हमें तो जब ये खेलता है तो हमें तो ये फील आती है कि इंडिया वन साइडेड जीत रहा है, ऐसे खेलता है ये कि इंडिया जैसे वन साइडेड जीत रहा है। हालांकि इधर किसी भी टीम का और कोई भी प्लेयर हो, कोई भी और कैप्टन हो जो मीडिया पे ये बोलता हो कि मैं ग्राउंड में दिखाऊंगा और ना उसे कुछ नहीं होता, तो उनकी बस बातें ही होती हैं, लेकिन इस बंदे का ना लेवल है, इस बंदे का ना एक्स मैक्स प्रो लेवल है यार, एंड कर दिया इस बंदे ने। ये इंडियन टीम की खूबसूरती है, इन लोगों की यही तो खूबसूरती है, इसी वजह से मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ कि ये जब अपनी कंट्री में बात आ जाती है ना भाई, ये कंप्रोमाइज नहीं करते, ये बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि कंट्री से बढ़ के इनके लिए कुछ नहीं है। ये लोग पैसे को नहीं पूछते, ये लोग अपने रन्स को छोड़ देते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस को आग लगा देते हैं, लेकिन कंट्री के लिए जान देने को भी तैयार हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये लानत है हमारे जो घंटे के किंग है ना, ये बोबजी लोग ये जो अपने लिए खेलते हैं, शर्म से डूब मरो। और इसी वजह से वो टीम हर वर्ल्ड कप में अच्छा करके जाती है, इसी वजह से वो बिल्कुल मैम, आज इंडिया ने जो है अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि हम इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है टीमों का क्या हाल करने जा रहे हैं। अभी तो हाल इंडिया ने बांग्लादेश का कर दिया, आज तो उन्होंने बता दिया है कि हम वर्ल्ड कप के अंदर क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह ODI वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा था कि 10 के 10 मैच जो है इंडिया ने वन साइडेड जीते थे और इंडिया बांग्लादेश से भी जीत गया, क्या कहेंगे? जीतना ही था उसने, जैसे उनकी परफॉर्मेंसेस थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे उनकी बैटिंग उठा के देख लें, चाहे बॉलिंग उठा के देख लें, कोई एक आप मुझे बता दें कि किसी में उन्होंने किसी चीज़ में लैकनेस की हो, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो बैटिंग है। एक एक प्लेयर उनका परफॉर्म कर रहा है, बॉलर भी सारे परफॉर्म कर रहे हैं, बैटर्स भी सारे परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जब और उनकी नीयत भी साफ है, जब नीयत साफ हो, नीयत बड़ी अच्छी ठीक है, तो नीयत जब एक बैट्समैन की या एक टीम के साथ हो साफ हो ना, तो फिर उसका नतीजा ऐसे निकलता है, जीतते जा रहे हैं जीतते जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ब्लू जर्सी पहनी है सर, उसके फौरन बाद जिस तरह से उनकी टीम में हमने एकजुट होते हुए उनकी टीम को देखा, और उसके बाद बिल्कुल ही कैरेक्टर बदल गए, वो कैरेक्टर जो थोड़े कमर्शियल नजर आ रहे थे उनमें एक नेशनलिज्म की झलक नजर आई है, और साथ ही एक जोश और जज्बा नजर आया है, और उन्होंने हैरान कर दिया। मैं तो कहता हूं ऐसा मैच कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भाई जो इंडिया की बॉलिंग ने हाल किया ना, जरा वो देख के आओ, और रो रहे हैं बांग्लादेश वाले, उनके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है, इज्तिमाई ज्यादती है, कमरे में बंद करके बत्ती बंद करके भाई उनकी ली है इंडिया ने। मुझे लगता है एक टीम है जिसके साथ हम इंडिया का थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा कोई और टीम मुझे नजर नहीं आती जो इंडिया के सामने थोड़ा सा टफ टाइम भी दे पाएगी। बट इंडिया खेल वो है ना, वो कहना तीनू सुनाना नूनू, वो वाला हिसाब हो गया भजन। इंडिया जो है ना वो खेल तो बांग्लादेश के साथ है, पर पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को ये बात बता रहा है कि भाईजान अगर हम उनके साथ ये कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के साथ हम क्या करेंगे। बिल्कुल, अभी तक जितने भी इंडिया ने विन किया उनके पास विकेट भी बाकी है, उनके पास ओवर भी बाकी है, और हर छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा टारगेट चेस करके कहते हैं ना जल्दी जल्दी टाइम बचाते हैं ये लोग, मैच आ गया। इस टाइम आप ये मैंने बात नोट कर लें, इंडिया जो है अनबीटन जो है ना ये वर्ल्ड कप जीत रही है। हाँ। ठीक है, उसका मध्य मुकाबल इस टाइम कोई भी और टीम आपको नजर नहीं आएगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चाहे पहले कोई भी टीम आ जाए जीतेगा इंडिया। जाहिर बात है इंडिया आपके सामने है,
कि उसकी परफॉर्मेंसेज आउट क्लास हो रही हैं, बैटर बैटिंग उनकी आउट क्लास है, बॉलिंग उनकी आउट क्लास है। हम आजम खान को ट्रोल होते हुए देख रहे हैं, आजम खान का कंपैरिजन किया जा रहा है ऋषभ पंत के साथ, लेकिन ऋषभ पंत हीरा है इंडिया टीम का। बिल्कुल मैम, ऋषभ पंत और आजम खान का तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। आजम खान वो मतलब इतना 150 किलो का सांड, जिससे बातें करवानी हो तो वो कहते हैं मैं जो है 100 छक्के लगाऊंगा, लेकिन जब मैच आता है तो उसके अंदर उसको बॉल नजर ही नहीं आती, ना उसे विकेट कीपिंग होती है, दो दो कैच छोड़ देता है, ना उसे बैटिंग होती है, वो सिर्फ बातें कर सकता है। प्लेयर जो है वो इस तरह के होते हैं, ऋषभ पंत के होते हैं। देखें, बांग्लादेश इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। मैच अच्छा देखने को मिला और मैच मुकाबले का देखने को मिला, और जो बांग्लादेश थी उसको कोई होप तो थी नहीं। हमें पहले नजर आ रहा था कि भाई बांग्लादेशियों को कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया से जीत पाएंगे, और इंडिया जिस तरह खेल रही है ना, मुझे लगता है एंड तक भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो भाई इंडिया जो है वो इतना मंजा हुआ है कि उसको ना तो पिचों की परवाह है, ना किसी कंट्री की परवाह है, उसको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना यकीन है कि उन्हें लगता है कि भाईजान जो स्ट्रेटजी जो कंप्यूटर माइंड लेके आ गया रोहित शर्मा अपने पास, बेस्ट जा रहा है इंडिया, और मुझे लगता है अनबीटेबल रहेगा एंड तक। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। मेरे को शिवम दुबे में युवराज सिंह नजर आता है, आपको क्या नजर आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और शिवम दुबे लंबी रेस का घोड़ा भैया। ठीक है जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।